लोग मुझे काफ़ी बार पूछते हैं कि यार तू हर महीने कहीं ना कहीं घूमने फिरने निकल जाता है, कभी खुद के काम से, कभी ऑफिस के काम से, कभी बस यूं ही टहलने। ये सिस्टम क्या है भाई, इतना घूमने मिलता कैसे है? इस सब का एक ही जवाब है मेरे पास, मैंने मेरी ट्रैवल जर्नी को मैनिफेस्ट किया है। मुझे ट्रैवल करना पहले से ही पसंद था और मैं यही चाहता था कि मैं लाइफ में काफ़ी ट्रैवल करूं और काफ़ी एक्सपीरियंसेस लूं। अब जो मुझे जॉब मिलते गए वो सारे जॉब्स में ट्रैवल इंक्लूडेड है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि इस महीने कहाँ जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ वाइजैक। तो वाइजैक जाने के लिए बेसिकली एक ही रास्ता है, दैट इज़ टेकिंग कनेक्टिंग फ्लाइट्स। तो मैंने कनेक्टिंग फ्लाइट्स ली है मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से वाइजैक। सो वही है, ये जो अभी तक वीडियो चल रहा है वो वही टूर है, वही ट्रैवल प्लान है। There's a tragedy has happened. मैं अपना बैग भूल गया. This coming by the next coach. Let's see. Gone to take my bag. वैसे वाइजैग में पहले कभी गया नहीं, बस सुना था। उसे कहते हैं लैंड ऑफ डेस्टिनी। अब देखते हैं कैसी दिखती है लैंड ऑफ डेस्टिनी। दो फ्लाइट चेंज करके और 6 घंटा ट्रैवल करके हम आ गए वाइजैग एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट से वाइजैग होटल जाने के लिए टैक्सी बुक कर ली। रास्ते में जो व्यूज़ आ रहे थे बढ़िया थे, काफ़ी डेवलप्ड है वाइजैग एज अ सिटी, बट काफ़ी ग्रीन भी है। सो ओवरऑल 9 out of 10। बट जैसे ही मैं इस बीच के पास पहुंचता हूँ मेरी आंखें खुली रह जाती है। आई मीन देखो इस व्यू को, क्या बढ़िया रोड है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है इस सिटी का। इतना लंबा ट्रैवल करके वाइजैग आए और फिर ऐसा व्यू मिले तो बात ही कुछ और है। रुको कर्टन खोल देता हूँ, अब देखो क्या व्यू है, मतलब क्या बनाया है भाई, मज़ा आ गया, वाह। होटल आ गए, फ्रेश हो गए, अब काम पे जाने का टाइम आ गया है, चलो फिर। माहौल देखो यहाँ का, बादलों को देखो, मतलब क्या बढ़िया माहौल है। काम करते वक्त जाते समय रास्ते में वाइजैग पोर्ट फंसा है, तो मैं सोचा देखते हुए चले जाओ, निश्चय पर कैसा दिखता है पोर्ट। Thank you.
यहाँ से शुरू होता है फिश मार्केट। यहाँ पे स्पेसिफिकली ड्राई फिश काफ़ी ज़्यादा बिकती है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती है। यू कैन सी इट, आप देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे ड्राई फिशेस बेची जा रही है। आई मीन रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ ड्राई फिशेस ही है। चलो भाई, पूरा दिन भर का काम ख़त्म हो गया, अब टाइम है रेस्ट लेने का। रेस्ट तो होटल रूम पे जाके भी दे सकते हैं, लेकिन क्यों ना एक व्यू हो जाए, अच्छा खासा सीनिक व्यू, ताकि मन की शांति तो होगी, दिमाग भी शांत होगा और मूड भी सही रहेगा। चलो देखते हैं।